तो फिलहाल मेरी अर्निंग ऐसे है कि आप मंथली एक बाइक ले लोगे ऐसा। मंथली एक बाइक ले सकते हैं। हाँ एक बाइक ले आप ले लोगे ऐसा, मेरा चॉइस कुछ नहीं है। और बाकी आप पूछेंगे गर्लफ्रेंड वगैरह, तो फिलहाल मैं सिंगल हूँ, अभी अच्छा तक कोई नहीं है, जब होगी तो ज़रूर हम एकदम बताऊँगा। बोले नहीं भैया भैया मुझे बात करनी है। उन्होंने ठीक है भाई चलो, उसमें फिर मुझे ब्लॉक करना पड़ रहा था और मुझे नंबर भी चेंज करना पड़ा। क्या एबसेंट किए हुए डेली दिन के 3 वीडियो भी अपलोड करो, बट करो कुछ भी करो बस खाली मत बैठो। जैसे आप लोग हो वैसे मैं भी हूँ, मैं भी 0 से शुरू किया हूँ और ऐसा चमत्कार नहीं हुआ है, मेहनत लगा है। आप लोग जैसे चमत्कार उसे बोलेंगे ना, जैसे जिसके में व्यूज़ नहीं आ रहे हैं और वो जो सब्सक्राइबर्स है वो बढ़ गए हैं। वहाँ भी कितना कितना लोग दिन पहले YouTube में आपने स्टार्ट किया था? यूट्यूब रिसेंटली हुआ है, मतलब 1 साल के अंदर। 1 साल में 1 मिलियन? जी 1 साल अभी फिलहाल मेरे यूट्यूब पे 1 मिलियन और इंस्टाग्राम पे अभी बहुत जल्दी 8 लाख अभी हो जाएंगे। मैं अपने आप को 1 साल टाइम दिया था, अगर अब 1 साल में नहीं होगा कुछ तो फिर मैं कुछ और ही करूँगा, फर्दर अपने स्टडीज़ पे ही बैक हो जाऊँगा। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है जय गांव टुडे में। दोस्तों तो आज हमारे बीच हमारे स्टूडियो में एक खास शख्स मौजूद है, खास युवा मौजूद है। और मैं बता दूं हमारे हाशिमारा क्षेत्र के एक चाय बागान क्षेत्र के एक युवा हमारे बीच मौजूद है, सचिन तिवारी इनका नाम है। हालांकि इनका नाम बताने का कोई जरूरत नहीं है क्योंकि काफी प्रचलित है, लोग काफी इन्हें जानते हैं। मैं बता दूं चाय बागान क्षेत्र के रहने के बावजूद 1 मिलियन फॉलोअर्स इनके यूट्यूब में है और काफी चर्चित ये हमेशा रहते हैं। और मैं बता दूं इनका जो खास बात है, जो छोटे शॉर्ट वीडियो ये बनाते हैं उसको लेकर के काफी चर्चित रहते हैं। तो आपका हमारे चैनल में स्वागत है सचिन जी। थैंक यू सो मच। तो सबसे पहले मैं जयगांव टुडे जो भी दर्शकों हैं सबको नमस्कार कहना चाहता हूँ और थैंक यू सो मच भैया कि आपने मुझे इनवाइट किया अपने चैनल पे जयगांव टुडे में। और गाइज बहुत अच्छा लगा यहाँ पर आकर। फिलहाल अभी गाइज जो भी बातें होंगी आप लोगों को आगे आगे पता चलेगा। तो दोस्तों मैं बता दूं कि सचिन तिवारी जो है हमारे हाशिमारा के सताली के रहने वाले हैं और इनके बारे में और हम लोग काफी कुछ जानेंगे। और हम आप बता दें कि एक हमारा जो ये क्षेत्र है चाय बहुल क्षेत्र है और यहाँ पर काफी संघर्ष करना पड़ता है किसी भी चीज के लिए। तो ऐसे छोटे से क्षेत्र एक चाय बागान क्षेत्र से होते हुए भी 1 मिलियन तक का जो सफर है कैसा रहा, हम उसके बारे में जानेंगे। सचिन जी कैसे पहुंचे 1 मिलियन तक? जी मेरा नाम है सचिन तिवारी और मैं एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हूँ। तो गाइस ये जो जर्नी है ना बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट था मेरे लिए, इतना इजी मैं नहीं बोल सकता हूँ क्योंकि मेरा इस लाइन में कुछ भी नहीं था। मैं सोच भी नहीं सकता था कि हाँ मैं इस लाइन में आगे जाऊँगा। मेरा भी नॉर्मल जो बच्चे होते हैं हाँ कि हाँ मुझे स्टडी करना है, स्टडी के बेसिस में आगे जाना है, यही था मेरा थिंकिंग। तो बाद में ये हुआ कि जैसे मैं अपना 12th कंप्लीट किया, फिर पापा ने एक फ़ोन दिलाया, फिर मैं कॉलेज में गया फर्दर। तो कॉलेज में ना क्लासेस ऐसा होता था कि कभी टीचर आते थे कभी, मतलब टाइम वहाँ मुझे मिलता था। तो जब टाइम मिलना शुरू हुआ और उस टाइम फ़ोन भी अच्छा खासा पापा ने दे दिया था, मतलब वो कैमरा अच्छा था, तो बहुत ट्रेंड था टिकटॉक का था। तो फिर मैं तब वीडियो बनाना शुरू किया, वो भी कॉलेज में बैठे बैठे फ्री टाइम में, कॉमन रूम में बैठा हुआ था। अपने फ्रेंड को बोला भाई एक वीडियो शूट कर देना, वहाँ से मेरा शुरू हुआ था जर्नी। तो वहाँ मेरा फ्रेंड ने एक वीडियो शूट कर दिया, तो फिर उसके बाद वो वीडियो मैं अपलोड किया। नॉर्मल मैं सिर्फ एक्सप्रेशन दिया था और कुछ नहीं, वो वीडियो अपलोड कर दिया। फिर घर पे आके मुझे लगा नहीं था कि वो वीडियो चलेगा, तो मैं नॉर्मल घर पे आके फिर चेक भी नहीं किया अपलोड करने के बाद। घर पे आके चेक कर रहा हूँ नोटिफिकेशंस, काफ़ी नोटिफिकेशंस आ रहे हैं। और फिर जब मैं ओपन किया वो वीडियो, मेरा 5 लाख तक रीच किया था और 25 लाइक्स आए थे। तो मेरे को काफ़ी अच्छा लगा कि हाँ लोग पसंद कर रहे हैं मेरी वीडियोज़ को, तो चलो यार अभी और आगे चलते हैं। तो धीरे धीरे फिर मैंने कंटिन्यू किया वीडियो बनाना, फिर वीडियो उतना रिच नहीं आ रहा था। फिर मैं सोचा अपने लैंग्वेज, अपने जो लैंग्वेज है उसमें मैं शुरू करूँ, फिर मैं भोजपुरी में ही शुरू किया। तब फिर लोग बहुत पसंद किए कि हाँ कुछ अलग आ रहा है कंटेंट, तो फिर उस पर मैं वीडियो बनाना शुरू किया, कंटिन्यू किया, तो रिच काफ़ी अच्छा मिलते गया। तब तो मैंने टिकटॉक पे 2 लाख कंप्लीट कर लिया। फिर वो जो टिकटॉक है वो बैन हो गया लॉकडाउन के टाइम में, शायद बैन हो गया था क्योंकि चाइनीज एप्लीकेशन है, तो बैन हो गया। तो फिर जो भी मेहनत किया था लोग जो पहचानते थे सब बिखर गए। और तब मैं ना इंस्टाग्राम पे लोगों को मतलब ला नहीं पाया था, और फिर ऐसा हुआ कि फिर से मुझे 0 से शुरू करना पड़ा इंस्टाग्राम में। फिर मैं शुरू किया, फिर बनाया, फिर मैं नॉर्मल एंड्रॉयड फ़ोन यूज़ करता था, वो बनाकर मैं 10K कंप्लीट किया अपने इंस्टाग्राम में। फिर वो
10K के बाद फिर पापा को बोला, पापा इसमें बहुत मेहनत लग रहा है, मुझे क्वालिटी और हाई करना है। तो पापा ने एक आईफोन दिलाया, तो एक मतलब बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं मेरे जर्नी में पापा को। तो फिर पापा ने दिलाया, तो मैं फिर उससे वीडियो बनाना शुरू किया। जब उससे वीडियो बनाना शुरू किया तो लोगों को क्वालिटी अच्छी मिली और फिर लोग पसंद करना शुरू किए, फिर वायरल वीडियोस मेरे वायरल होना शुरू हो गए। फिर ऐसा हो गया था कि वीडियो वायरल होता था, फिर मैं आलसी हो जाता था, फिर छोड़ दो, कौन मतलब आराम से बढ़ रहे हैं, इतने हो गए हो जाएंगे, फिर से जैसे अगर छोड़ते थे तो फिर से वही लेवल, फिर रिच आना कम हो जाता था, फिर से मेहनत बहुत इशू आने लग गया। फिर 1.5 साल कंप्लीट हो गए, 1.5 साल में मैंने 1.5 लाख ही किया था, ठीक है। तो मैं भी यही सोचा था, 1.5 साल हो गए और मतलब मैं वीडियोस बनाता था लेकिन लाइक्स भी आते थे, लेकिन वैसा फॉलोअर्स उस लेवल का बढ़ नहीं रहा था। तो फिर मैं सोचा यार कुछ तो करना पड़ेगा। फिर मैं कंटिन्यू हो गया इस पर, मतलब मैं सोचा एक बार एकदम मन तन धन लगा दूँ, फिर देखूँ क्या होता है। मैं अपने आप को 1 साल टाइम दिया था, अगर अब 1 साल में नहीं होगा कुछ तो फिर मैं कुछ और ही करूँगा, फर्दर अपने स्टडीज़ पे ही बैक हो जाऊँगा। फिर कंटिन्यू किया बाद में, फिर जब मैं एकदम मन तन धन लगाना शुरू किया, फिर धीरे धीरे फॉलोअर्स भी गेन होना शुरू हो गए। फिर मैं यूट्यूब पे भी स्टार्ट कर दिया, यूट्यूब पे भी डाला तो वहाँ भी सब्सक्राइबर्स बेस बढ़ने शुरू हो गए। वहाँ भी कितने दिन पहले यूट्यूब में आपने स्टार्ट किया था? यूट्यूब रिसेंटली हुआ है, मतलब 1 साल के अंदर। 1 साल में 1 मिलियन? जी 1 साल। जब से ये मतलब मैं ब्लॉगिंग करता था, तो ब्लॉगिंग में ज़्यादा नहीं, मेरा 5K 10K सब्सक्राइबर्स थे जब मैं ब्लॉगिंग करता था, वीडियोस अपने डालता था। फिर जब शॉर्ट्स का भी आया तो शॉर्ट्स में रिच काफ़ी ज़्यादा मिलने लग गया, तो मैं फिर शॉर्ट्स अपलोड करता था, उसमें रिच अच्छा खासा जाने लग गया, लाखों में जाने लग गया, मिलियंस में जा रहे हैं व्यूज़ काफ़ी अच्छे अच्छे। तो उसके वजह से व्यूज़ मेरा जो बेस बन गया सब्सक्राइबर्स का काफ़ी अच्छा बन गया। तो अगर मैं कोई भी अपनी लॉन्ग वीडियो भी डाल रहा हूँ तो लोग वो भी देख रहे हैं उस वजह से, तो वहाँ भी काफ़ी अच्छा हो गया। तो अभी फ़िलहाल मेरे यूट्यूब पे 1 मिलियन और इंस्टाग्राम पे अभी बहुत जल्दी 8 लाख अभी हो जाएंगे और जल्दी 1 मिलियन भी उस पर अचीव करना है। ऐसा काफ़ी यूट्यूबर है जो मतलब संघर्ष करते रहते हैं, उनका फॉलोअर्स नहीं बढ़ता है, ये कैसे चमत्कार कैसे हो गए 1 साल में 1 मिलियन? एक चमत्कार जैसे ही है, मतलब क्या आप क्या बताएंगे हमारे जो युवा है जो यूट्यूब में इंस्टा में काफ़ी एक्टिव है बट उनका फॉलोअर्स नहीं होता है, क्या करना चाहिए उन्हें? जी बिल्कुल, मैं बस यही बोलना चाहूँगा कि जैसे आप लोग हो वैसे मैं भी हूँ, मैं भी 0 से शुरू किया हूँ और ऐसा चमत्कार नहीं हुआ है, मेहनत लगा है। आप लोग जैसे चमत्कार उसे बोलेंगे ना जिसे जिसके में व्यूज़ नहीं आ रहे हैं और वो जो सब्सक्राइबर्स है वो बढ़ गए हैं, लेकिन आप अगर स्क्रॉल करेंगे तो सारे वीडियोज़ में व्यूज़ भी है प्रॉपर, सब जेन्युइन काम हुआ है, ऐसा कुछ भी नहीं है कि चमत्कार बेसिस पे, सब मेहनत लगा है उसमें। और बस यही है एक ही की ऑफ सक्सेस है कि आपको बस मेहनत करना है डेली। जैसे अगर आप ऑफिस भी जाओगे तो वहाँ भी आपको डेली जाना पड़ेगा, एक दिन एब्सेंट नहीं कर सकते हो, इसमें भी आप बिना एब्सेंट किए हुए डेली दिन के 3 वीडियो भी अपलोड करो, बट करो कुछ भी करो बस खाली मत बैठो, ये है। अच्छा ये हमारे जो ये क्षेत्र है चाय बागान क्षेत्र है, मतलब इसमें मतलब जो युवा है खास करके आजकल युवा जो है ट्रेंडिंग में है यूट्यूब में वीडियोस बनाने का, ये तो उनको क्या आप ऐसा मैसेज देंगे कि मतलब क्या उनको करना चाहिए, शॉर्ट वीडियो बनाना चाहिए, लॉन्ग वीडियो बनाना चाहिए, क्या करना चाहिए उन्हें? देखिए सबसे पहले ना आपको अपना पैशन फॉलो करना है कि आप किस में बेस्ट हो। अगर आपको ऐसे टूरिंग करना, ट्रैवलिंग करना बहुत पसंद है, आपको लॉन्ग वीडियो बनाना पसंद है, और आपको ये भी चीज़ देखना है कि मार्केट में क्या चल रहा है, अभी ट्रेंड क्या हो रहा है, ट्रेंड क्या है, अभी जैसे शॉर्ट्स का ट्रेंड है, मिनी ब्लॉग का ट्रेंड है, तो आप ब्लॉगिंग करते हो तो आप ब्लॉगिंग करो, उसको मत छोड़ो, साथ में आप ये भी करो मिनी जो चल रहा है ट्रेंड भी फॉलो करो, उससे आपका फ़ायदा भी होगा, जो आपका पैशन है वो भी आप फॉलो कर रहे हो। तो बहुत लोग बोलते हैं ना कि सॉन्ग्स काफ़ी ज़्यादा तो मैं यही बोलना चाहूँगा कि आप लोग बहुत सारे ऐसे भी सॉन्ग हैं कि बहुत अच्छे हैं, दिल को छूने वाले सॉन्ग हैं, तो आप लोग वो चॉइस करो ना जो है, और कोई भी ऐसे ऐसे आप एक्शन अच्छा करो, वैसे बहुत सारे एक्शंस आप वीडियो में अच्छे करोगे, डांस अच्छा करोगे, प्रॉपर बीट के साथ मैच करोगे तो बहुत सुंदर वीडियो बन के निकल के आएगा, भले ही सॉन्ग जैसा भी हो, बस आपको अपना एक्शन सही करना है, चॉइस अच्छा करो आप, यही है मेन, तो फोकस आपको इसी पर करना पड़ेगा। जी जैसे मेरा काम है ना, मैं ज़्यादा आउटडोर भी वीडियो बनाता हूँ और इंडोर भी बनाता हूँ, तो जब अभी फ़िलहाल ऐसा हो गया है कि अभी अगर मैं कहीं दूर भी जाऊँ बनाने के लिए, जैसे अभी फ़िलहाल मैं घर के पास ही बनाता हूँ, मेरे मॉल है, सिटी सेंटर है, तो वहाँ वीडियो बनाता हूँ, तो वहाँ भी लोग पहचान लेते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं दूर से पहचान लेंगे, बोलते हैं कि वो रहा सचिन, आ जाते हैं
फोटो क्लिक करवाने के लिए, ठीक है, वो सारे चीज़ें भी अच्छे, मतलब अच्छा लगता है कि हाँ लोग जो मैं काम कर रहा हूँ लोग उसको पहचान रहे हैं, देख रहे हैं, वो सारी चीज़ें देखकर अच्छा लगता है मेरे को। समस्या वगैरह किसी तरह? हाँ, समस्या जैसे ऐसा हो जाता है कभी कभी कि कोई कोई ना ऐसा होता है, कोई कोई ऐसा होते हैं कि वो पीछे पड़ जाते हैं, अगर उन्हें नंबर मिल गया तो रात को 2 बजे भी कॉल कर देंगे, 3 बजे भी कॉल कर देंगे। मैं एक बार हो चुका है, एक को नंबर मिल गया था तो वो मुझे रात को 2 बजे कॉल करता है। मैं बोला भाई करता है कि करती है? बहुत पहले का है, करता है, एक लड़का ही था, वो लड़का ही था तो मुझे कॉल किया था, तो उसको बोला भाई तुझे नंबर मिल भी गया है तो भाई टाइम तो देख, तो कितना बजे कॉल किया है। बोला नहीं भैया भैया मुझे बात करनी है। उन्हें ठीक है भाई चलो, उसमें फिर मुझे ब्लॉक करना पड़ रहा था और मुझे नंबर भी चेंज करना पड़ा। यही सारी समस्या है, बाकी सब तो बढ़िया है। फिर कुछ सालों तक मैं अभी ये सारी चीज़ें से दूर रहता हूँ और सिर्फ करियर पर फोकस है कि हाँ कुछ करना है लाइफ में, कुछ बनना है। लड़कियाँ और जो भी है, जो भी मम्मी पापा लोग जो पसंद करेंगे वही आएगा घर पे। अच्छा, मेरे पसंद से कुछ नहीं आएगा, अपना चॉइस कुछ नहीं है। मेरा चॉइस कुछ नहीं है। और बाकी आप पूछेंगे गर्लफ्रेंड वगैरह, तो फिलहाल मैं सिंगल हूँ। अच्छा, अभी तक कोई नहीं है, जब होगी तो ज़रूर हम एकदम बताऊँगा। अच्छा, ये आप क्वालिफिकेशन कहाँ से किए? जी हाँ, मैं क्वालिफिकेशन मेरा स्कूलिंग हुआ यहीं हाशीमारा से ही हुआ है, AFO स्कूल हाशीमारा, वहाँ से मैं 12th कंप्लीट किया। फिर फर्दर मैं सिलीगुड़ी चला गया, वहाँ मैं अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट किया, बीकॉम मैं किया मैं, फिर बीकॉम भी मेरा कंप्लीट हो गया ग्रेजुएशन। अभी फर्दर मैं अभी एमकॉम कर रहा हूँ यहाँ से, आपका NBU कॉलेज से, सिलीगुड़ी। जी सिलीगुड़ी। अच्छा सचिन जी, जैसे हम लोग भी फेसबुक वगैरह चलाते हैं तो कुछ इनकम तो हम लोग को भी आता ही है, तो यूट्यूब में है और प्लस आपका 1 मिलियन सब्सक्राइबर है तो इनकम तो काफ़ी अच्छा आता होगा। किस तरह का इनकम आता है कुछ बताना? ऐसे तो कोई बताता नहीं है, फिर भी किस तरह का इनकम आता है? जी देखिए, मैं अपना बताता हूँ, मुझे लोगों का नहीं पता, मैं अपना बताता हूँ। इसमें ऐसा है ना, जैसे लोग जैसे यूट्यूब पर जो भी मेहनत कर रहा है, मेन है आपका मेहनत पे, आप जितना मेहनत करोगे आप उतना अर्न कर सकते हो। जैसे मैं जब इस फील्ड में नहीं था, मैं भी ऐसे ही बैठ के यूट्यूब वीडियो देखता था, तो बहुत लोग बोलते थे कि आप इसको एज आ करियर नहीं चॉइस कर सकते हैं, आप इसको नहीं ले सकते। लेकिन ऐसा नहीं है, अगर आप इसमें मेहनत कर रहे हो, एक अच्छा खासा आप सब्सक्राइबर्स बेस बना लेते हो, और मेहनत क्योंकि मेहनत हर चीज़ में लगती है, आप इसमें भी कर लेते हो तो इसमें भी है करियर, इसमें भी आप अच्छा खासा अर्न कर सकते हो। तो मेरा पूछोगे तो मैं अभी नॉर्मली मेहनत करता हूँ, ज़्यादा नहीं करता हूँ, ठीक है। जैसे ब्लॉगिंग भी मैं बोलेंगे कि तो मैं 10 दिन में एक ब्लॉग डालूंगा, ऐसे करके मेरे ब्लॉग्स भी आते हैं, बहुत लेट डालता हूँ मैं ब्लॉग, मैं शॉर्ट्स वीडियो में ज़्यादा ध्यान देता हूँ। तो फिलहाल मेरी अर्निंग ऐसे है कि आप मंथली एक बाइक ले लोगे, ऐसा मंथली एक बाइक ले सकते हैं? हाँ, एक बाइक ले आप ले लोगे ऐसा। तो आप समझ सकते हैं, मतलब अभी फिलहाल ज़्यादा नहीं आता लेकिन मंथली इनका इतना कमाई है कि आप एक बाइक ले सकते हो। तो दोस्तों मैं बता दूं कि हमारा जो ये आज का जो ये सेशन हम लोग मेन कर रहे हैं, क्योंकि हमारे जयगांव थाना क्षेत्र के हाशीमारा के एक युवा है और 1 मिलियन सब्सक्राइबर इनका ऑलरेडी हो चुका है और इसी तरह आगे बढ़ेंगे, तो हम इनको यहाँ इनवाइट करने का मुख्य उद्देश्य हमारा ये है कि इनको देख करके हमारे जो दूसरे यूट्यूबर है, दूसरे जो युवा है जो YouTube में अपना एक फोकस करना चाहते हैं, YouTube में अपना एक करियर बनाना चाहते हैं, तो इनको देख के भी काफ़ी कुछ वो सीख सकते हैं, जिस वजह से हम इन्हें आज यहाँ अपने स्टूडियो में इनवाइट किए हैं। और हमें काफ़ी खुशी मिल रही है कि इन्होंने समय दिया और हमारे आज स्टूडियो में हमारे साथ यहाँ पर ये पहुँचे हुए हैं। तो मैं इन्हें अपने जयगांव टुडे की पूरी टीम की ओर से मैं इन्हें धन्यवाद दूंगा और उज्जवल भविष्य की मैं कामना करूंगा और साथ में मैं इन्हें बधाई दूंगा। इनका हाल फिलहाल में ही 1 मिलियन अभी कंप्लीट हुआ है, उसके लिए मैं इन्हें बधाई दूंगा। पहले ऐसा था जब मैं स्टार्ट किया था तो मैं बिल्कुल ही समझता था कि इसमें अर्निंग भी होता है, मैं सिर्फ अपना मुझे अच्छा लगता था तो मैं करता था, बट मैं ऐसे नॉर्मली करता था, लेकिन मेरे पापा सीरियस से ज़्यादा कि हाँ तुम करो, अगर जिस दिन मैं वीडियो नहीं डालूंगा ना उस दिन फ़ोन करके बोलेंगे तुम आज वीडियो क्यों नहीं डाल रहे, तो वो ऐसा प्रेशर भी देते थे इस चीज़ के लिए। तो फिर मैं करता था, अभी करते करते जब अर्निंग आना शुरू हुआ तब मुझे पता चला कि हाँ यार पापा जो बोलते थे सही बोलते थे। तो पहले ऐसा होता था कि फैमिली वाले मम्मी जैसे मम्मी बोलती थी, फिलहाल मैं बाहर का तो बोलूँगा नहीं क्योंकि सुनता भी नहीं था मैं बाहर का, तो मम्मी बोलती थी कि तू पढ़ाई कर, ये सब मत कर अभी, ठीक है। तो मैं पढ़ाई करता था ऐसे, मैं भी बहुत ध्यान ही एकदम फोकस नहीं हो गया था कि हाँ मुझे वीडियो भी बनाना है, मम्मी बोलती थी मत कर, मैं नहीं करता था सुनकर, लेकिन फिर पापा कर तो करता था। तो यही करते करते बाद में ऐसा हुआ कि बहुत लोग बोले भी, अपनी जो रिलेटिव से बहुत बोलते थे कि अरे सचिन किस लाइन में जा रहा है,
ठीक है, तो फिर बोलेंगे पेरेंट्स हैं तो बोलेंगे वो लोग भी भाई उनको सिर्फ यही सिखाया गया कि आप स्टडी करो तो ही आगे जाओगे, तो हमें ही प्रूफ करके मतलब दिखाना पड़ेगा कि अगर आप मैं अगर ये चीज़ कर रहा हूँ तो मुझे प्रूफ करना पड़ेगा कि हाँ अगर मैं ये चॉइस किया हूँ तो इसमें भी कुछ है, देखो मैं ये चीज़ कर पा रहा हूँ इसकी वजह से ही कर पा रहा हूँ, अगर मैं कुछ और करता तो भी वो करता लेकिन मैं ये करके भी इतना अचीव कर रहा हूँ, तो हमें प्रूफ करना पड़ेगा तब जाके वो लोग मानेंगे। तो मैं प्रूफ किया तब पूरी फैमिली अब सपोर्ट में है, साथ में है सभी फैमिली, अब जो रिलेटिव्स है ना वो भी एकदम अच्छे ही अच्छे से ही वैल्यू करते हैं, देखते हैं हाँ नहीं लड़का। अभी मम्मी क्या बोलती है? अब तो मम्मी ही साथ देती है, वीडियो वीडियो मम्मी भी शूट करती है साथ में मिलके, आप लोग का देखते हैं जुगलबंदी रहता है अभी। हाँ एकदम, अगर जिस दिन नहीं बनाऊंगा ना मैं आलसी होकर सो जाऊंगा तो बहुत डांटेगी। तो मैं भी कुछ कहना चाहता हूँ कि गाइस मैं इस पॉडकास्ट में आया, मैं बहुत ही ज़्यादा मतलब बहुत ही खुशी हुई क्योंकि मैं भैया को फॉलो करता था, ये भी यहाँ पर जगहों के सारे गाइस सारे अपडेट्स हमें मिल जाते थे यहाँ पर बैठे बैठे घर पे, सो उसके लिए भैया आप बहुत हार्डवर्क करते हैं, थैंक यू सो मच। तो गाइस यहाँ आप देख सकते हो जगह टुडे करके इनका नाम है आईडी का, तो आप सर्च कर, आप स्पेशली फेसबुक पे ज़्यादा एक्टिव रहते हैं, तो गाइस इनका 200,000 करके फेसबुक पे भी कंप्लीट हो गया है, तो यहाँ पर जो अब पॉपुलेशन है ना मैक्स टू मैक्स इनको सब फॉलो करते हैं गाइस, मैं भी फॉलो करता हूँ और बहुत अच्छा लगा कि मैं इनके पास आके बैठा हूँ और ये पॉडकास्ट कर रहा हूँ, तो थैंक यू सो मच भाई आपने इन्वाइट किया, बहुत खुशी हुई। थैंक यू सो मच सचिन, आप हमारे स्टूडियो में आए, समय दिए और आप इसी तरह आगे बढ़िए, हम यही आपसे हम भगवान से हम लोग भी प्रार्थना करेंगे आप इसी तरह आगे बढ़िए और हमारा क्षेत्र का रोशन नाम रोशन कीजिए। तो बिल्कुल धन्यवाद दोस्तों, आज हमारे बीच थे सचिन तिवारी जी, हमारे हाशीमारा क्षेत्र के हैं, तो इसी तरह हमारे दूसरे भी यूट्यूबर वगैरह है या हमारे कोई भी सोशल मीडिया में जुड़े हुए जो लोग हैं उन्हें भी हम इसी तरह आमंत्रित करेंगे और हम कोशिश करेंगे हमारे जो नए युग के युवा है उन्हें उनके लिए कुछ कुछ नया कुछ हम लोग दे पाए। तो दोस्तों अभी हम लोग अपने स्टूडियो में मौजूद है और आप देख रहे हैं जय गॉड टुडे, धन्यवाद दोस्तों।